कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, ये नारा उन्होंने लगा दिया। मगर हमारे लोगों ने नारे को नहीं पकड़ा, आरएसएस के लोगों ने नारे को पकड़ लिया। बाबा साहब ने तो जाते जाते उंगली पार्लियामेंट की तरफ की थी कि कैप्चर द स्टैंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा कर लो गरीबों, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। शाम दाम दंड भेद छल कपट सारे हथियार इस्तेमाल कर ये हम लोगों को कमजोर करने में लगे हैं। किसी के सहारे नहीं, अपने पैरों पर अपने बलबूते पर यहाँ अपनी सरकार बनाने की बात करो। और जब तक आप लोग सरकार नहीं बनाएंगे तब तक साथियों बात बनने वाली नहीं है। किसी के जोश में कोई कमी नहीं है। हम जो यहाँ चलकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, किसी की गद्दी हटाने के लिए नहीं आए, किसी को छोटा करने के लिए नहीं आए। हम इस देश के अंदर तीसरे नंबर की ताकत रखने वाली पार्टी, इधर डॉक्टर रितु का समर्थन देने के लिए इधर आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस देश में हर बेटी को, हर नौजवान को इस देश के अंदर न्याय मिले। बाबा साहब ने तो जाते जाते उंगली पार्लियामेंट की तरफ की थी कि कैप्चर द स्टैंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा कर लो गरीबों, तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। 131 हम रखते हैं, मगर 131 जीत के किसके सहारे जाते हैं? इस देश में मात्र 15% लोग एक तरफ 38 दल लिए बैठे हैं, एक तरफ 26 दल लिए बैठे हैं, और हम लोग यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं तो एक दूसरे के मलजना, उसकी आलोचना करना, एक दूसरे की टीका नहीं करना, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई काम नहीं नजर आ रहा। हम यहाँ सब एकजुट होकर काम करें और जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग आए हैं उस लक्ष्य को लेकर हम लोगों को काम करना चाहिए। और डॉक्टर रितु को जो यहाँ पर जिस प्रिंसिपल ने उनके साथ अन्याय किया, उस डॉक्टर सविता रॉय को जब तक सलाह के पीछे नहीं भेज देंगे तब तक हमें चैन से डरना नहीं है। इस देश में छल शाम दाम दंड भेद छल कपट सारे हथियार इस्तेमाल कर ये हम लोगों को कमजोर करने में लगे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम भिन्न भिन्न विचारधारा तो हमारी सबकी एक ही है। यदि आप बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और यहाँ जय भीम की बात कर रहे हैं तो विचारधारा तो एक है, और वे विचारधारा बाबा साहब की इस देश के अंदर, जब तक आप लोग देश के अंदर राजा नहीं बनेंगे आपकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आपने 75 साल की आज़ादी में सबको राजा बना के देखा है, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, जनता दल को मौका दिया, अब एक खानू का पार्टी आ गई उसको भी मौका दे दिया। और हम बात यहाँ बाबा की करते हैं, और कभी बनिए की सरकार बनाते हैं, कभी पंडित जी की बनाते हैं, कभी यहाँ पर पंजाबी की बनाते हैं। और जब तक तुम लोग अपने यहाँ पर वहां पार्लियामेंट में या विधानसभा के अंदर या मेयर की कुर्सी पर जाकर नहीं बैठोगे तुम्हारे साथ इस तरह अन्याय होता रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने पैरों पे खड़े होकर, किसी के सहारे नहीं, अपने पैरों पर अपने बलबूते पर यहाँ अपनी सरकार बनाने की बात करो। और जब तक आप लोग सरकार नहीं बनाएंगे तब तक साथियों बात बनने वाली नहीं है। ये आपको समय समय पे चलने काम करने, माननीय कांशी राम साहब ने एक नारा लगाया कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, ये नारा उन्होंने लगा दिया। मगर हमारे लोगों ने नारे को नहीं पकड़ा, आरएसएस के लोगों ने नारे को पकड़ लिया, और उन्होंने सर्वे किया, इस पर रिसर्च पर बैठा दी कि यदि कांशीराम इस तरह ही देश के अंदर आगे बढ़ते रहे, 6,743 जात में 600 जातियों को जोड़ दिया है, यदि वो इस तरह अपने कदम आगे बढ़ाते तो इस देश के अंदर इनका राज आ जाएगा। तो आरएसएस के लोगों ने एक मोदी नाम के आदमी को तैयार किया और केशव भाई पटेल को हटाया वहां से, जो गुजरात का स्थापित नेता था, और उसकी जगह किसको भेजा, इन मोदी नाम के एक आदमी को भेजा। और शायद वहां जाके 5 साल उसकी सरकार बनी,
पांच साल का सरकार चलाई, कोई कान नहीं हिलाया। अगले बार पांच साल का फिर बने तो साथी उसने अपनी जाति को देना, जो मोड़ घींची जाति का है, जो मोड़ घींची जाति का जो ऊपर कास्ट मारता है, उनने धीरे से अपनी जाति को ओबीसी में कन्वर्ट करा दिया। और साथी ओबीसी का जैसे ही उन्होंने अपनी जाति को कन्वर्ट किया, पूरे देश के अंदर उसने जाके कहा कि मैं नीची जाति का हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं ये हूँ और ये हूँ। यानी वो लोग छल कपट करके इस देश के अंदर आए, सत्ता में आसीन है, मगर हम लोग ताकत के बाद भी एक दूसरे में निकता चुनी निकालते हैं। और ताकत आपके पास 100 में से 85 लोग आप हैं, और हम जहां पर ही बात करेंगे कि भाई राजनीति की बात नहीं करनी है, यानी हमें कहां कौन सी पिच पे फिर खेलना चाहिए, जहां हम 100 में से 85 उस पिच पे हमें कोई खेलने नहीं देता। हमें कहां खेलने के लिए बोल रहे हैं कि धर्म की बात करो, हमारे लोगों को पारा बढ़ा रखा, धर्म की बात करो। जब दिल्ली देश की राजधानी में यहां आपने ताकत बनाई तो साथ ही एक बुड्ढे को लाके यहां बैठा दिया, उसका नाम मैं नाम बताऊं आजकल कहां है वो बुड्ढा, जो लोकपाल बिल की बात करता था, जो भ्रष्टाचार की बात करता था, आजकल कहां है बुड्ढा, वो जैन ब्रश की स्कोट में पड़ा है। तो यहां उस ताकत जैसी ताकत बनी तो साथियों आंदोलन करा दिया। आंदोलन में देश के अंदर सबसे पहले इस देश के अंदर आपके तिरंगे झंडे का अपमान करने का काम किया। आज तो यहाँ की सरकारों ने आपके गली गली में लगा दिए, जहां देखे वहीं झंडा खड़ा है। कौन सी बात तुम्हारे में देशभक्ति पैदा होगी? एक झंडे की लगाने की कीमत पता है तुम्हें? एक झंडे की लगाने की कीमत 35 लाख रुपए आई है, और हर साल इसके झंडे बदले जाएंगे। अभी आंधी सब उड़ के फिर दोबारा लगाए। तो ये लोग, हम बात बाबा की करें, अरे दुश्मनों के घर में बैठ के तुम बाबा की बात कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक आप लोग एक जगह इकट्ठे होकर बैठेगी नहीं, आप लोग एक लड़ाई जो बाबा साहब की लड़ाई है, किस देश के अंदर गरीब का बेटा राजा बनना चाहिए, किसी किसी के सहारे से नहीं, तो साथ तब तक आपका भला हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं, हम लोग अपनी पार्टी के जितने भी हमारे साथी आए हैं, वो लोग रितु सिंह को यहाँ पर ताकत देने के लिए आए, और समय समय पर हम अपनी ताकत देते हुए आपको नजर आएंगे। और जो भी हमारे, हम लोग यहाँ ड्यूटी भी लगा देंगे। अभी हमारे साथी बोल रहे भाई आपका क्या प्लान है, हम डेली कोई ना कोई बहुजन समाज पार्टी के साथी यहाँ पर किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र से आएंगे। आज 70 विधानसभा से हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए, 70 से 70 विधानसभा में आह्वान करेंगे कि एक एक दिन जाके वहां पे बैठे, तो साथी वो लोग आएंगे और आपके यहाँ पर धरने को और मजबूती देने का काम करेंगे। यदि जरूरत पड़े तो रात में आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ ये उम्मीद लेके जा रहा हूँ कि हम सब लोग भाई हैं, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे की टीका टिप्पणी ना कर हमें एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, और गले लगा कर मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस देश की जो अन्याय जो ये लोग कर रहे हैं, इस अन्याय को खत्म करकर इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना हो, हर जाति और धर्म के लोगों को मान और सम्मान मिले, हर व्यक्ति को न्याय मिले और किसी के प्रति अन्याय ना हो, ऐसे निवेदन करते हुए अपनी बातों खत्म करता हूँ।